हेलो गाइस, आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस से। आज चालू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री न्यू चैप्टर। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की दो यूनिट्स हैं क्लास टेंथ के अंदर। पहली यूनिट बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो दूसरी यूनिट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। एंड बच्चा, ये वाली यूनिट बच्चों को बहुत तकलीफ देती है, मैंने देखा है बच्चे नहीं कॉप अप कर पाते। बट आप मेरी वीडियो से एक बार पढ़ के देखिए, आई होप यू विल फील द डिफरेंस। सो लेट्स बिगिन। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? आपने पिछले 10 सालों के अंदर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा है, आपने हमेशा एलजेब्रा ज्योमेट्री की बातें कर रखी है, बट ये एकदम ही अलग है। ना तो ये कंप्लीट एलजेब्रा है, ना तो ये कंप्लीट ज्योमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका यूजेज क्या है, क्लास टेंथ में क्या काम आता है, क्या बोर्ड्स में इसका वेटेज क्या है, सब समझेंगे अपन। पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट लाइक द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे एलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ज्योमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। अच्छा, ये डीलिंग किससे करती है? ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच डीलिंग करती है मात्र और मात्र एक कॉन्सेप्ट पे, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। किसके ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर इसके लॉजिक्स मूव करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच लगाते हैं और उसी में हम ट्रिग्नोमेट्री को सम अप भी करते हैं। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री अप्रोच कांट बी अप्लाई। हम विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई नहीं कर सकते। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो लेट मी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री का एंगल ए बी सी। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समझते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर एंगल बी कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। एंगल बी कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। अब अगर ध्यान से देखें, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी तीन ही साइड्स होती है, बट बेसिकली तीन साइड्स के नाम होते हैं। नीचे वाला कहलाता है बेस, जो बैठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिक्यूलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिक्यूलर। और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम H से डिनोट करते हैं, इसको हम B से डिनोट करते हैं, इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये तो बेसिक मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अच्छा, आपको कभी भी कोई भी दो साइड्स दी हो, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन विद द बेस एंड परपेंडिकुलर, तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। दूसरे ट्राइंगल्स में ये पॉसिबल नहीं है, बट राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पॉसिबल है विद द पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने शायद सुनी हो कि पाइथागोरस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप जब इन फॉर्मूला के अंदर चीजों को डाल देते हैं तो आपको कोई ना कोई साइड तो मिल ही जाती है। जब कभी भी आपको दो साइड्स दी और तीसरी निकाल दी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। वही पी का मतलब यहां पर परपेंडिकुलर है, बी का मतलब यहां बेस है, एच का मतलब हाइपोटेनियस है। जब कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर आपको दो साइड दी होगी तो हम कोई भी थीटा इसमें से निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर हमें कैसे याद होगा कि साइन पी बाय एच होता है, ये बी बाय एच होता है, ये पी बाय बी होता है। तो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वो ट्रिक कुछ ऐसे है। अब एग्जाम में हमेशा ऐसा लिख लीजिए, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। क्या ट्रिक है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या है बच्चा लोग? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ये है ट्रिक आपकी बेसिकली। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अच्छा सर, नीचे के तीन थीटास, कुछ नहीं बेटा, नीचे के तीन थीटास जस्ट अपोजिट है। साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, और टेन का अपोजिट कॉट है। तो अगर कॉसेक साइन का अपोजिट है, साइन पी बाय एच है, तो ये एच बाय पी होगा,
कॉस का अपोजिट कर दीजिए तो एच बाय बी, और स्कॉट का अपॉन में कर देंगे तो पी बाय बी बाय बी। इस तरीके से ये चीज होती है। अच्छा सर, अब ये कैसे पता होगा कि ये इसका उल्टा है? ये भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक, सिंपल से ट्रिक याद कर लीजिए कि टेन का अपोजिट कॉट होता है, बस बाकी मैं आपको करवा दूंगा। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। अब देखिए, एस का अपोजिट सी, लिख लो यहां पर, एस का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एस, एस का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एस, साइन का अपोजिट कॉसेक, एस का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एस, कॉस का अपोजिट सेक। तो साइन का हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया सेक। तो ये छह थीटा से हमें ट्रिग्नोमेट्री में डीलिंग करनी है। ये छह थीटा अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए काफी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है। अब क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है, तो आई कैन से मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं ना कि साइन थीटा बराबर है वन अपॉन कॉसेक के, क्योंकि उल्टा का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। वैसे ही इसका उल्टा भी पॉसिबल है बच्चा लोग, कि कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन के बराबर हो सकता है ना। ऐसे ही हम सबके साथ कर सकते हैं कि कॉस थीटा किसका था? वन अपॉन सेक थीटा का। और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सेक थीटा किसके बराबर होगा? वन अपॉन कॉस थीटा के। वैसे ही टेन थीटा किसके बराबर होगा? वन अपॉन कॉट थीटा के। और कॉट थीटा क्या होगा? वन अपॉन टेन थीटा के बराबर। तो ये वही की वही चीज, बस मैंने उसको एक वे में लिख दिया। क्यों लिखा ये? क्योंकि हमारे एग्जाम में जब अभी आप ट्रिग्नोमेंट्री की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 8.4, तो हमें वहां ये चीज देखनी पड़ेगी कि जहां पर भी वन अपॉन कॉस दिखेगा तो हमें वहां पर सेक लिख देना है, जहां पर भी वन अपॉन सेक दिखेगा वहां कॉस लिख देना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट नोट रहता है, जो रहता है टेन थीटा, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और वैसे ही क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट है तो हम इसका अपोजिट कर दो, कॉस अपॉन साइन। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये पता होगा तब जाकर ही आगे चीजें प्रोसीड हो पाएगी बच्चा लोग। ये है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ ऐसा आएगा कि आपको रोज इसे पढ़ना पड़ेगा, रोज इसे देखना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज आ सकती है। ऐसे हवा में मैंने समझा दिया तो मतलब नहीं है, आपको खुद समझना पड़ेगा तब जाकर ये चीज आएगी। तो मैंने आपको बेसिक सी चीज बताई कि ट्रिग्नोमेट्री में छह थीटाज है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तीन थीटाज हमें याद करने, साइन है पी बाय एच, कॉस है पी बाय एच, टेन है पी बाय बी। ट्रिक भी बताई मैंने, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इन तीनों के अपोजिट है, साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, टेन का अपोजिट कॉट है। और इसकी भी ट्रिक है कि एस का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एस, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट याद होना चाहिए कॉट। और ये चीजें जो हमने देखी लिखने का तरीका। और हाँ, दो इंपॉर्टेंट चीजें, वो ये कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, वेर एस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। आई थिंक ये चीज आप सबको क्लियर हो गई होगी। आपको फोटो ले लेना है बिल्कुल फोटो ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। पहली एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे, देन ग्रेजुअली मूव करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।